नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बैकुंठी चौदस की कथा सुनाएंगे। प्राचीन समय में उज्जैन में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो रस, चमड़ा, कंबल आदि का व्यापार करता था। वो मदिरापान और वैश्यागमन जैसे बुरे कर्मों में लीन रहता था। वो रात दिन केवल बुरे काम ही करता था, इसीलिए वो व्यापार करने के लिए नगर नगर घूमता था। एक दिन व्यापार के लिए घूमता हुआ वो महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। उस समय कार्तिक मास चल रहा था। वहां की शोभा नर्मदा नदी के किनारे कार्तिक मास के व्रत करने वाले बहुत से लोग अनेकों गांव से स्नान करने के लिए आए थे। धनेश्वर ने उन सभी को देखा और अपना सामान बेचता हुआ वो भी एक महीने तक वहीं रहा। वो प्रतिदिन वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता और उनसे बातचीत भी करता था, और कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि और जागरण भी देखता रहा। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नाम के राक्षस के तीनों पुत्रों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था, इसीलिए शिव भगवान के भक्त इस स्थिति को दीप उत्सव में भी मनाते हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए धनेश्वर को पूरा एक मास बीत गया। फिर एक दिन अचानक उसको एक काले सांप ने डस लिया, जिससे वो भूमि पर गिर पड़ा। उसकी ये दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए तो यमदूतों ने उसको आकर बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसको यमपुरी ले गए। तब उसे देखकर यमराज ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि इसको कुंभी पाक नरक में डाल दो। परंतु जैसे ही प्रेत सेनापतियों से उसे कुंभी पाक नरक में डाला गया तो तेल से खौलता हुआ वो कुंड शीतल हो गया। ये देखकर सभी यमदूत चकित रह गए और उन्होंने सारी घटना यमराज को बताई। उसी समय वहां नारद जी पहुंच गए और उन्होंने यमराज से कहा, हे सूर्य नंदन, ये ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने के योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और वार्तालाप करते हैं, वो उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेते हैं, और ये ब्राह्मण तो एक महीने तक श्री हरि भगवान के कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्य के संपर्क में रहा है, इसीलिए ये उन सब के पुण्य का भागी है। इसीलिए ये यक्ष की योनि में रहेगा और अपने पापों के लिए सब नरकों का केवल दर्शन मात्र ही करेगा। तब यमराज ने अपने प्रेत सेनापतियों को नारद जी के कहे अनुसार धनेश्वर को सारे नरक दिखाने की आज्ञा दी और उसके पश्चात उसे यक्षलोक में भेज दिया गया। वहां जाकर धनेश्वर को यक्षलोक का राजा बना दिया गया और वही धनेश्वर कुबेर का अनुचर करके धनक्ष बनकर प्रसिद्ध हुआ। हे प्रभु, जैसे आप अपने धनेश्वर को सभी पापों से मुक्त कर दिया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले, पढ़ने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल फंटास्टिक टॉक्स को सब्सक्राइब करें।